हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का एक बढ़िया सा वैकेंसी आ चुका है जिसमें एक्स और वाई ग्रुप में स्पोर्ट्स ट्रायल बेसिस पे भर्ती आया है। जो भी आपका काम रहेगा वो स्पोर्ट्स को लेके काम रहेगा। बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स है, क्रिकेट भी है यहाँ पर। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो बोथ एक्स और वाई पोस्ट के लिए। डिटेल्स में अगर बात करें यहाँ पर, ये अनमेरिट मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट इसमें अलाउ नहीं है अभी तक। फीमेल कैंडिडेट का अगर नेक्स्ट फॉर आएगा फीमेल्स के लिए, तो वहाँ पर मैं वीडियो आपको बना दूंगा, बता दूंगा नेक्स्ट आएगा फीमेल का, तो वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आर्मी सर ऑफिशियल है उसका नाम, प्लीज़ ज्वाइन। चलिए यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन हम डिटेल्स पे बात करते हैं। 11 सितंबर से आप ऑनलाइन शुरू होगा www.joinindianairforce.nic.in पे। वहाँ पर 20 सितंबर को आपकी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट ट्रायल्स के लिए आपको 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर को आपको बुलाया जाएगा, आप जाके अपने ट्रायल्स देना है, ठीक है। यहाँ पर दिया है रजिस्टर कहाँ कहाँ करना है, यहाँ पर दिखा है bluesport.rec@ifa.nic.in पे यहाँ पर। और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करोगे https://agnipathbayu.cdac.in, यहाँ पर ये दोनों वेबसाइट है, इसको चेकआउट आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करें कौन कौन सी स्पोर्ट्स में आपको जाना होगा, मतलब अगर आप ट्रायल्स दे सकते हैं, यहाँ पर एथलेटिक्स 5000 मीटर का और हाई जंप का दोनों में दे सकते हैं, एक्वेटिक्स में, डाइविंग, स्विमिंग दोनों में, ठीक है। उसके बाद बास्केटबॉल में सेंटर, बॉक्सिंग में वेट कैटेगरी 48 kg का, साइकिलिंग में ट्रैक 4 किलोमीटर इंडिविजुअल परस्यूट, क्रिकेट में फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर, या तो आप फास्ट बॉलर होना चाहिए या फिर ऑलराउंडर होना चाहिए। फुटबॉल में फॉरवर्ड और डिफेंडर दोनों में अगर आप खेलते हैं तो यहाँ पर जाकर ट्रायल्स दे सकते हैं। जिमनास्टिक, अगर आप जिम करते हैं तो ऑलराउंड फॉर 6 अपरेटस ऑलराउंडर होना चाहिए आप जिमनास्टिक, अगर जिम वगैरह आपको पता है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। वाटर पोलो में ऑलराउंडर, रेसलिंग में 77 kg और 70 kg FS, ठीक है। उसके बाद वेट लिफ्टिंग में आपका कैटेगरी रहेगा 73 kg का, एक बंदा जो चाहिए, मतलब एक नहीं चाहिए, बहुत सारे चाहिए, और वेट कैटेगरी 96 kg का भी वैकेंसी है। वॉलीबॉल में सेटलर, ब्लॉकर और काउंटर, ये तीनों चीज़ें अगर आप खेलते हैं वहाँ पर जाकर ट्रायल्स दे सकते हैं। स्क्वाश में स्क्वाश, हैंडबॉल में पीवट, ठीक है, कबड्डी में लेफ्ट रेडर और ऑलराउंडर वहाँ पर चाहिए, हॉकी में फॉरवर्ड। अगर ये चीज़ें आप खेलते हो, इतना स्पोर्ट्स का वैकेंसी है, अगर ये चीज़ों में आप अच्छे हो, खेलते हो, आपको पता है, तो आप जाके वहाँ पर ट्रायल्स दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं, यहाँ पर जो सबमिशन ऑफ फील्ड एप्लीकेशन, यहाँ पर 10 बजे शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। 11 तारीख को 10 बजे आपका शुरू हो जाएगा, और 5 बजे, शाम को 5 बजे 20 तारीख 20 सितंबर को यहाँ पर आपका बंद हो जाएगा। तो ये जो भर्ती है, कोई ऑफिशियल एंट्री नहीं है, ना कि पायलट वगैरह एंट्री नहीं है, ये अग्निवीर एंट्री है एक्स एंड वाई ग्रुप का। आपको पता है, अभी जैसे वाई ग्रुप में मेडिकल असिस्टेंट चल रहा है, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में जाते हो तो आपकी लगभग 99 से 100% चांस है आप परमानेंट हो जाओगे, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा में वापस कोई भी संस्था नहीं करता। हाल ही में आप नीरज चोपड़ा फ्रॉम इंडियन आर्मी, वो भी राजरीव का है जो अभी सूबेदार है, वो भी खेल रहे हैं जाके, तो आप देख सकते हैं कितनी क्रेज है। तो कोई भी स्पोर्ट्समैन को कोई भी संस्था डिफेंस नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उससे क्या, एक तरफ नीरज चोपड़ा का नाम होता है तो दूसरी तरफ इंडियन आर्मी के राजरीफ रेजिमेंट का भी नाम होता है कि हाँ इस रेजिमेंट से वो बिलोंग करते हैं। तो दोनों की तरफ क्या आता है, काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रहता है, ठीक है। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगा 26 दिसंबर 2002 से लेकर 26 जून 2006, इनके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो रहेगा आपका 21 ईयर्स, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे नीचे होना चाहिए। अगर कोई आपकी भाई है या फिर कोई भी रिलेशनशिप में है जो स्पोर्ट्स करते हैं, उनको ये मैसेज फॉरवर्ड कर देना, ये वीडियोस प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि आपके काम ना आए तो उनके काम एटलीस्ट आ जाए। यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि अनमेरिड यहाँ पर चाहिए, अनमेरिड आप होना चाहिए, मेरिड हो तो आपको मतलब क्या होते हैं, अलाउ नहीं होगा। और अगर आप 4 साल सिलेक्ट होने के बाद 4 साल के अंदर भी मेरिट नहीं कर सकते हो, क्लियरली मेंशन है दे शैल अंडरटेक नॉट मैरी ड्यूरिंग द डिफाइंड एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, मतलब आप 4 साल के बाद अंदर आप मैरिज नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हो। और ऐसे भी शादीशुदा का क्या है, मतलब इतने जल्दबाजी भी क्यों है, ठीक है। ऐसे भी कोई कौन 25 साल में शादी करता है, 30 30 साल तक नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा पॉइंट नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप एक्स ग्रुप में जा रहे हो, स्पोर्ट्स कोटा में अगर जाओगे, कोई भी स्पोर्ट्स में, अगर आपके साइंस सब्जेक्ट है, यहाँ पर दोनों आप कर सकते हैं। एक्स में जाओगे तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, वाई में जा रहे होगे थोड़े से कम मिलेगा। तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट विथ मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश ऑन एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाई सेंट्रल, स्टेट और यूटी यूनियन टेरिटरी, विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट और 50% इन इंग्लिश, ठीक है। तो एग्रीगेट में 50 चाहिए और इंग्लिश में आपका 50 चाहिए, ठीक है। दूसरा है, अगर आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स किया है वहाँ पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आपको 50% एग्रीगेट और 50% इंग्लिश में चाहिए, ठीक है।
अगर आपने वोकेशनल कोर्स भी किया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप क्या बोलते हैं, जैसे कि मैथ और फिजिक्स से किया है तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अदर देन साइंस सब्जेक्ट में आपको पता ही है कि आपका कोई भी स्ट्रीम से 50% आपका एग्रीगेट और 50% आपका इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। अगर आपने 2 ईयर्स का वोकेशनल कोर्स भी यहाँ पर भी किया तो वाई ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है आप कैसे अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 49.99 क्या एलिजिबल है, तो बिल्कुल नहीं है भाई, यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको 50% से ऊपर मार्क चाहिए, ठीक है। तो और बहुत सारे चीज़ें दिया है, मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या चीज़ें रहेगा। आपकी हाइट जो है मिनिमम एसेप्टेबल हाइट इज़ 152.5 सेंटीमीटर्स रहेगा। वेट प्रोपोर्शनल टू हाइट पर रेस, मैंने आपको बताया काफ़ी बार ये चीज़ें हमने डिस्कशन किया है। चेस्ट आपकी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना बहुत ज़रूरी है। हियरिंग आपका अच्छा होना चाहिए, डेंटल 14 होना चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया है, आपको बहुत सारे को डाउट्स रहता है, तो 6x12 ईच आई करेक्टेबल में 6x6 ईच आई होना चाहिए। हाइपरमेटोपिया +2.0D, मायोपिया 1D इंक्लूडिंग प्लस 0.50D अस्टिगमाटिज्म, ठीक है। कलर विजन CP2 आपका होना चाहिए, तो ये सारे चीज़ आपका होना चाहिए वहाँ पर अप्लाई करने के लिए। जो इसका सैलरी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल आपकी किसकी तरह रहेगा, जो अग्निवीर का जो सैलरी स्ट्रक्चर उसी की तरह रहेगा। 4 साल के लिए जाओगे वहाँ पर, फिर 4 साल के बाद कुछ परमानेंट होगा, कुछ वापस आ जाएंगे। एज़ पर मैंने प्रीवियस बातों पे बोला कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सभी सिलेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर दिया है कॉन्सेंट फॉर्म, जो अभी आप फिलहाल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप बिलो 18 ईयर्स है तो ये रहेगा आपके कॉन्सेंट फॉर्म, और अगर आप एबव 18 ईयर्स के हैं तो ये रहेगा आपके कॉन्सेंट फॉर्म। यहाँ पर क्या होता है आपको पता है कैसे कैसे भरना है, इसका डिटेल वीडियो है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर है, बहुत बार हमने बात किया है इसकी बातों में। जो फर्स्ट ईयर है आपको जो सैलरी मिलेगा यहाँ पर 30,000 रुपया मिलेगा, सेकेंड ईयर 33,000, थर्ड ईयर 36, और फोर्थ ईयर में आपको 40,000 के आसपास सैलरी मिलेगा। अगर आप एक्स ग्रुप में जाते हैं यहाँ पर आप 8,000 हर महीना ऐड कर सकते हैं, यानी अगर ये लास्ट ईयर में आप 40 वाई ग्रुप में मिले यहाँ पर 48,000 आपकी सैलरी होगा, लगभग 50,000 के आसपास एक्स ग्रुप में साइंस सब्जेक्ट के साथ अगर जा रहे हो तो आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस ऑफ एग्जाम, फर्स्ट डे आपका 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर, असेंबली नंबर 2 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर आउटसाइड एग्जिट गेट AFO स्टेशन न्यू दिल्ली में ये आपका होगा, ठीक है। वहाँ पर वेरीफाई होगा आपकी एज, एजुकेशन सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट एट AFO, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, फिर फिजिकल फिटनेस टू बी कंडक्ट इन तेजस कैंप, ठीक है। इसके बाद आपकी फिजिकल टेस्ट भी है, पहले आपकी स्पोर्ट्स का अचीवमेंट देखा जाएगा। स्पोर्ट्स अचीवमेंट मतलब आपने कहाँ कहाँ स्पोर्ट्स ट्रायल किया, आपके अच्छे नेशनल लेवल पे होना चाहिए स्पोर्ट्स, ठीक है। नेशनल लेवल पे आपकी स्पोर्ट्स खेला होना चाहिए, स्टेट लेवल पे आप खेला होना चाहिए, तब जाके इसमें आप भर सकते हो। तो सेकेंड डे में आपका जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रायल्स होगा आपका कि क्या है, मतलब आपने जो स्पोर्ट्स में भरा है उसकी ट्रायल्स होगा। थर्ड डे में स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रायल्स कैंडिडेट हुआ शॉर्टलिस्टेड ड्यूरिंग प्रीवियस डे ट्रायल, अगर और एक बार आपकी शॉर्टलिस्टिंग हुआ होगा। 4 और 5 को आपका मेडिकल हो जाएगा, फिर आप सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको PFT बता देता हूँ। फिजिकल में सेम 1.6 किलोमीटर आपको पता ही है, कंप्लीटेड इन 7 मिनट 7 मिनट पूरा मिलता है, कोई भी भर्ती में जाओ एयरफोर्स में, ये एक अच्छा चीज़ है एयरफोर्स में। और उसके बाद 10 पुशअप्स 10 सीटअप्स और 20 स्क्वाट्स आपने लगाना है, जिसके बीच में आपको 1 मिनट 2 मिनट और 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा, ये डिटेल्स में आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि भाई अपना जो स्पोर्ट्स है, शूज़ है, शॉर्ट ट्रैक्स पैंट है, ये सब लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे चीज़ तो आपको पता है, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, मतलब स्पोर्ट्स में क्या क्या अचीवमेंट होना चाहिए, कौन सी लेवल पे खेला हुआ होना चाहिए वो आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपको बताए, बहुत बार डॉक्यूमेंट्स में बता चुका हूँ, फोटोज़ वगैरह, तो वो जो इम्पोर्टेंट, हाँ ये स्पोर्ट्स अचीवमेंट मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अगर आप क्रिकेट खेला है तो कैंडिडेट हुए प्लेड ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज में अगर आपने खेला है, और BCCI ट्रॉफीज आपने खेला है, अंडर 19 खेला है, अंडर 23 खेला है, रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, दियोदा ट्रॉफी, और हायर पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेशन आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। अगर ये चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स अचीवमेंट की बात करें तो इंडिविजुअल शुड हैव रिप्रेजेंट द कंट्री इन जूनियर और सीनियर इंटरनेशनल मीट्स ऑफ एनी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन मेंशन एट Para 1, द करेंट अचीवमेंट वुड बी गिवन प्रेफरेंस ड्यूरिंग सिलेक्शन ट्रायल्स। इंडिविजुअल शुड हैव अटेंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ 5th प्लेस इन द जूनियर नेशनल चैंपियनशिप
रिप्रेजेंट स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड सीनियर नेशनल चैंपियनशिप इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप और एबव मेंशन स्पोर्ट्स। ये बोल रहा है कि जो आपने कॉलेज लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी के लेवल पे हो, या फिर स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे, आपकी फिफ्थ पोजीशन से नीचे नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया है फिफ्थ पोजीशन से या 4, 3, 2, 1 आया है, तो यहाँ पर आप ट्रायल्स के लिए वहाँ पर पहुँच सकते हो। इन टीम इवेंट्स द इंडिविजुअल शुड हैव रिप्रेजेंट स्टेट इन जूनियर नेशनल चैंपियनशिप ड्यूरिंग रेस्पेक्टिव स्पोर्ट्स फेडरेशन इन अबव मेंशन डिसिप्लिन। द करेंट अचीवमेंट वुड गिवन द प्रेफरेंस ड्यूरिंग द सिलेक्शन ट्रायल्स। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपने गेम खेला, लाइक यहाँ पर इंडिविजुअल एथलेटिक है वो तो चलो ठीक है, उसकी नंबरिंग है, जैसे मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, तो वहाँ पर मेरा जो है जूनियर स्पोर्ट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया होना चाहिए, वहाँ पर कोई भी नंबरिंग नहीं चाहिए। तो अगर ये चीज़ें है, बहुत अच्छा मौका है, आप एक स्पोर्ट्स में नाम कर सकते हो। सिर्फ स्पोर्ट्स इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं खेलोगे, कल इंडिया के लिए खेलोगे, फिर जाके कितनी मेडल्स जीतोगे, कितनी नाम आपका होगा। हाल ही में आपको बेस्ट एग्जाम्पल नीरज चोपड़ा से, सुविधा नीरज चोपड़ा से कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप स्पोर्ट्स करते हो, क्रिकेट का ट्रायल्स आपने यूनिवर्सिटी लेवल पर खेला हुआ है, जाइए दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, जाके दीजिए ट्रायल्स। अगर आप अच्छे हो तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाओगे, उसके बाद एक्स और वाई ग्रुप में आप भर्ती हो जाओगे, अच्छी सैलरी मिलेगा, एयरफोर्स की इज्जतदार नौकरी मिलेगा, ठीक है। ये होने के बाद आप आगे जाके बहुत चीज़ें कर सकते हो। अगर आपके कोई दोस्त है तो उनको प्लीज़ ये शेयर करें, ताकि वो भी इसका फॉर्म का फ़ायदा उठा सके। बाकी कोई डाउट है नीचे कॉमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।